आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और मैं हूं आपके साथ विकास। रीवा के राजनिवास में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवराज सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि शिवराज सरकार में आम जन, छात्र, किसान, महिलाएं अत्यधिक परेशान हैं। आपराधिक घटनाएं संपूर्ण मध्य प्रदेश में अपने चरम पर है। आने वाले दिनों में नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत के चुनाव हैं। रीवा में 20 वर्षों से अधिक समय से रीवा नगर का महापौर भाजपा से आता है, किंतु नगर में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर आज आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष शहरी एवं ग्रामीण राजीव सिंह परिहार व प्रमोद शर्मा के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं ने आयुक्त नगर निगम रीवा को ज्ञापन सौंपकर उनके निराकरण की मांग की है। रीवा नगर में मौजूद पुराने पार्क रख रखाव के अभाव में नष्ट हो चुके हैं, उनका सौंदर्यीकरण किया जाना आवश्यक है एवं नए पार्क बनाए जाए जिससे आम जन को बैठने व टहलने की सुविधा हो। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में पूरी ताकत से उतरेगी। इनकी यहाँ के गली मोहल्लों से लेकर और देश के संसद तक सरकार होने के बावजूद लगातार ये वादे पे वादे कर रहे हैं और उन वादों को कहीं पे भी, एक भी वादे को जमीन पे उतारने पे ये लोग सक्षम नहीं है। चाहे शिवराज सिंह चौहान जी को देखें, वो घोषणावीर हैं, लगातार घोषणा करते हैं, तमाम तरह की योजनाओं की घोषणा कर देंगे। आपको पहले के चुनाव याद होंगे, चाहे वो मैहर के चुनाव रहे हों या चित्रकूट के चुनाव रहे हों या अभी उपचुनाव हैं, उन उपचुनावों में एक एक विधानसभा में 150-200 करोड़ की योजनाओं की घोषणा हो रही है, लेकिन चुनाव होने के बाद ये घोषणाएं खाली कागज़ पे रहती हैं, अमल पे नहीं आती हैं। तमाम तरह की ऐसे अन्य जो बातें हैं ये करके जाते हैं लेकिन उनको लागू नहीं करते हैं। यहाँ राशन की, चाहे यहाँ के नगर निगम के मुद्दा उठाएं, यहाँ राशन की दिक्कत है। यहाँ किसी नगर निगम क्षेत्र में जो वार्डों के क्षेत्र में जो स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए वो ठीक से काम नहीं कर रहे, पानी की ठीक से सुविधा नहीं है, बिजली की समस्या लगातार, जो जिनके यहाँ बिजली है वो बढ़े हुए बिल से परेशान है लगातार लोग, तो तमाम तरह की दिक्कतें हैं। और फिर से चुनाव आएंगे, चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के लोग वादे करेंगे, वादे करके वो मुकर जाते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी इस बार हर वार्ड पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। आम आदमी पार्टी रीवा का, नगर निगम के क्षेत्र का, यहाँ के क्षेत्र के लिए अपना मैनिफेस्टो होगा। उस मैनिफेस्टो में ये बात होगी कि यहाँ के शहर की क्या ज़रूरत है, बस्तियों की क्या ज़रूरत है, महिलाओं की क्या ज़रूरत है, स्कूल कैसे ठीक से संचालित हो सकते हैं, स्वास्थ्य केंद्र कैसे ठीक से चलेंगे, गली मोहल्लों में वहाँ की सड़कें, वहाँ की नाली, वहाँ का पानी कैसे ठीक से रहेगा, पूरा करके दिखाया है। तो यहाँ रीवा के क्षेत्र के लिए है, साथ ही जो नगर पंचायतों के क्षेत्र में भी चुनाव होंगे उन चुनावों में भी आम आदमी पार्टी भागीदारी करेगी। तो हम अपना संगठन का काम, संघर्ष का काम और चुनाव लड़ने का, चुनाव की तैयारी करने का काम, तीनों स्तर का काम आज से प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ साथी लोग मौजूद हैं, संघर्ष लगातार चल रहा है। आप सब, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या बसपा, सपा, तमाम तरह की पार्टियां आईं और बड़े बड़े वादे की, वादों को कहीं और चुनाव के बाद डाल दिया जाता है, उसके बाद जनता के बीच में नहीं जाते हैं, तो उनको तो आप लोगों ने सपोर्ट किया ही। आम आदमी पार्टी आप सबसे कह रही है, मीडिया के बंधुओं से कह रही है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। आप लोगों के सहयोग से पार्टी यहाँ के मुद्दे भी उठाएगी और इन मुद्दों के आधार पर हम चुनाव भी लड़ेंगे, उन मुद्दों का समाधान चुनाव जीतने के बाद भी करेंगे और जनता के बीच में आज भी हैं, कल भी रहेंगे। और ये पार्टी भविष्य की पार्टी है, इस पार्टी से लगातार रीवा वर्ष से तमाम जगहों से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं, तो जल्द ही बड़े कार्यक्रम भी होंगे। आज ये प्रेस वार्ता प्लस प्रमुख